हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। आज मैं आपको बताऊंगी राजस्थान की एक ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपी जिसका नाम है मगध। ये स्पेशली सिंधारे पे और सावन तीज पे बनाई जाती है और ये ऑलमोस्ट सब घर में बनती है। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ मगध बनाने के लिए 1 कप मैदा, 1/4 कप घी और 1 टेबलस्पून गुनगुना पानी लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ एक बाउल लूँगी, उसमें मैं डालूँगी मैदा और घी और इसे मैं एक सार कर लूँगी। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून गुनगुना पानी और अब मैं इसे अच्छे से जमा लूंगी। उसके बाद मैं इस पे ढक्कन लगा के इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है। अब मैं हमारे मैदे के डो को इस छलनी की मदद से छान लूंगी कुछ इस तरह से और ये दानेदार फॉर्म में आ जाएगा। छन्नी के बाद ही कुछ इस तरह का दिखेगा। आप चाहें तो इसे थोड़ी मोटी छन्नी से भी छान सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और ये मैदे का मिश्रण उसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पे इसे सेकूंगी और हमें इसे लगातार हिलाते रहना है कुछ इस तरह से जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं हमारे मैदे का मिश्रण अच्छे से सिक चुका है और इसमें सिकने की महक भी आ रही है। तो अब हम इसे पैन से नीचे उतार लेंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद भी हमें इसे कम से कम 1 मिनट तक हिलाना है। हमारा मगध सिक तो चुका है पर अभी ये पूरा तैयार नहीं है। तो हमें इसके लिए चाहिए 1/4 कप पिसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून छोटे टुकड़ों में कटा हुआ नारियल, 1 टेबलस्पून मिश्री कुटी हुई, 10 से 15 केसर के धागे, 10 भुनी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून बादाम कतरन और 1 टेबलस्पून घी। अब हम हमारे सिके हुए मगध में ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, कुटी हुई मिश्री, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ नारियल, बादाम कतरन, केसर के धागे, भुनी हुई काली मिर्च और 1 टेबलस्पून घी। और अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे जरूर ट्राई करें एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।